हुजूम आप भीड़ का देख सकते हैं सर, पूरे देश का है, आप लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं, क्या माहौल सर भारतीय जनता पार्टी का आप देख रहे हैं? देखिए, हम 400 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अमेठी हम प्रचंड बहुमत से जीते हैं। सर, जिस तरीके की बात की जाती है कि आप प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती थी राशन का विरोध करती थी जो गरीबों को दिया जाता था, अब प्रियंका गांधी का बयान आया है कि 5 किलो की जगह सर 10 किलो राशन देगी कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोध करती थी राशन का। उनको भी मालूम है, उनको आना नहीं है। ये इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का झूठा नारा दिया था, ऐसा नारा है। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए मजबूती के साथ काम किया है, राशन, दवाइयां, घर, शौचालय, बिजली, पीने का पानी और 5 लाख तक का इलाज सब गरीब जानते। ये तस्वीर एक बार फिर हम दिखाएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में मौजूद हैं इनके रथ पर। सर, कांग्रेस पार्टी का अमेठी और रायबरेली में आप क्या जनाधेर देख रहे हैं? सर, रायबरेली में राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर, अंतिम सवाल है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियानों में सर जुटे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव। सर, अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उनको देखकर सबको शराब की बोतल याद आती है और शराब कांड याद। सर, अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आप ये हुजूम देखिए, लगातार जो भीड़ है वो जमा है, अंतिम सवाल है हम सर से, सर कांग्रेस को लेकर बिल्कुल, तो हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि ये भारी रोड शो, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रोड शो में मौजूद हैं, भारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि भारी जीत, प्रचंड जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 अमेठी। तो सुना आपने हमारे सहयोगी